हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हेल्प सीरीज पे स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वोटर आईडी कार्ड वेरिफिकेशन के बारे में। साथियों, आप किन किन तरीकों से वोटर आईडी कार्ड में वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। इसके अलावा फ्रेंड्स, वोटर आईडी कार्ड में वेरिफिकेशन कराने का लास्ट डेट कब तक है। दोस्तों, आपको बता दें, पहले वोटर आईडी कार्ड को वेरिफिकेशन कराने का लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2019 था, जो कि अब बढ़ के 20 नवंबर 2019 हो चुका है। आप फ्रेंड्स 20 नवंबर 2019 से पहले अपना वोटर आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, साथ ही अपना वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि आप वोटर आईडी कार्ड में वेरिफिकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से अपना वोटर आईडी कार्ड में वेरिफिकेशन करवाने के लिए फ्रेंड्स, आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में एक लिंक मिल जाएगा nvsp.in का। फ्रेंड्स, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इसका ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा, जहां पे जाके फ्रेंड्स आपको अपना वोटर आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन करवाना होगा, या फिर अपना वोटर आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन फ्रेंड्स आप खुद से ही कर सकते हैं। साथ ही आपको आधार कार्ड से आपका वोटर आईडी कार्ड को लिंक कराना होता है। जब आप वेरिफिकेशन कराएंगे तो ऑटोमेटिक ही आपका वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, आपको बता दें, यदि आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप आसानी से प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन नामक ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और उस ऐप के माध्यम से आप अपना वोटर आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। आप अपना वोटर आईडी कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करवा सकते हैं। साथ ही आपका वोटर आईडी कार्ड में कहीं भी कोई भी गलती है, कहीं भी कोई भी सुधार की आवश्यकता है, तो फ्रेंड्स उसे आसानी से आप अपने मोबाइल ऐप वोटर हेल्पलाइन के जरिए कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको बता दें, यदि आपके पास ऑनलाइन करेक्शन करने का या फिर ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, तो फ्रेंड्स आप ऑफलाइन माध्यम से अपना वोटर आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं 20 नवंबर 2019 से पहले। फ्रेंड्स, इससे पहले किसी भी दिन आपके फैमिली में जितना भी वोटर आईडी कार्ड होगा, सभी का फोटोकॉपी, साथ में सभी का आधार कार्ड का फोटोकॉपी करके फ्रेंड्स आप जहां भी मतदान करते हैं, मतदान केंद्र पे जाना है और वहां पे आपको एक VLO मिलेंगे। फ्रेंड्स, उन्हीं VLO के पास आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जाके जमा कर देंगे। फ्रेंड्स, आपका VLO आपके डॉक्यूमेंट्स में वेरिफिकेशन करने के बाद आपका वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार बड़े आसानी से आप ऑफलाइन माध्यम से अपना वोटर आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।